Assalamualaikum. This lecture is recorded by Sarhad Education System. This is our mathematics book for class 3. Dear students, take out page number 15. On page number 15, we have comparing and ordering the numbers. हमने numbers को compare और order करना है. जैसे आपके पास है comparison of two numbers using the symbol less than, greater than and equal than. ये आपके पास this is read as less than and this symbol is read as greater than, this is read as equal to. ये आपके पास less than को show करता है, ये symbol आपके पास greater than को show करता है और ये symbol आपके पास equal को show करता है. जैसे हम consider कर लेते हैं कोई भी दो number 6 and 8 ले लेते हैं. As 6 is less than 8, 6 जो है आपके पास छोटा है 8 से, तो हम उसको लिखते हैं we write six less than का symbol डाल देंगे and eight. Six is less than eight. Next देख लेते हैं as eight is greater than six. जैसे अब आपके पास eight greater है six से, so हम इसको लिखेंगे eight greater का symbol डाल देंगे और six. Eight is greater than six. Also we can write six is equal to six. Eight is equal to eight. तो ये आपके पास symbol show होते हैं greater, greater, less और small, equal के लिए. ठीक है, compare कर लेते हैं इस example के through. आपके पास first है 929 and 28. 9 is smaller than, less than 28. फिर आपके पास 45, 35. तो 45 आपके पास greater है 35 से, तो आपके पास इसमें कौन सा symbol आएगा, greater का 45 और हमने greater का symbol डाल दिया, then 35. फिर आपके पास next option है, next है 57 and 75. 57 and 75 में आपके पास 57 जो है वो less है 75 से, तो 57 less than का symbol डाला and 75 लिख दिया. 57 is less than 75. So हमें less, greater एंड इक्वल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया. टेक आउट पेज नंबर 19. आपके पास एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अबाउट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल. इन द सर्कल आपने पुट कर देना है. 52 इज़ ग्रेटर और लेस देन 70. तो 52 आपके पास लेस है, तो यहाँ पे आप लेस का सिंबल डाल देंगे. 52 इज़ लेस देन 70. नेक्स्ट आपके पास है 97 and 79. तो 97 इज ग्रेटर देन 79, तो आप इसमें ग्रेटर का ऑप्शन डाल देंगे, ग्रेटर का सिंबल डाल देंगे. नेक्स्ट आपके पास 133 and 130. तो 133 आपके पास ग्रेटर है 130 से, तो आप यहाँ पे ग्रेटर का ऑप्शन, ग्रेटर का सिंबल डाल देंगे. नेक्स्ट आपके पास है 269 and 269. तो ये दोनों आपके पास इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप इक्वल का सिंबल डाल देंगे. फर्स्ट फोर आपके पास हो चुके हैं, बाकी के आपने पार्ट्स फिल कर देने हैं. इन्हीं सिंबल्स को इन सर्कल्स में पुट करके ग्रेटर का, लेस का और इक्वल का आपने नंबर्स को कंपेयर कर देना है और जो राइट आपके पास सिंबल आ रहा है आपने उसको पुट कर देना है इनमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड पुट द एप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर, लेस और इक्वल इन द बॉक्सेस. ये क्वेश्चन आपके पास सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है. आपने यहाँ पे भी ग्रेटर, स्मॉलर, सॉरी ग्रेटर, लेस और इक्वल का सिंबल पुट कर देना है. 663 इज ग्रेटर देन 552, तो आप इसमें ग्रेटर का सिंबल डाल देंगे. नेक्स्ट आपके पास 179 है और 197 है, तो यहाँ पे आपके पास 179 छोटा है 197 से, तो आपने लेस देन का सिंबल डाल देना है. नेक्स्ट आपने पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 को इसी तरह सॉल्व कर लेना है राइट सिंबल्स के थ्रू. सो नेक्स्ट टेक आउट पेज नंबर 17. पेज नंबर 17 इज अबाउट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मीन्स गोइंग अपवर्ड या मूविंग फॉरवर्ड. जैसे 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो आप छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर आपने बड़े से छोटे की तरफ आना है। जैसे यहाँ पे ये स्टूडेंट आई एम गोइंग डाउन स्टेयर, बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये आपके पास मूविंग डाउनवर्ड और मूविंग बैकवर्ड इज़ नोन एज डिसेंडिंग ऑर्डर और मूविंग फॉरवर्ड इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़े की तरफ एंड डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटे की तरफ। तो इसी से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑन पेज नंबर 19 एक्सरसाइज 1.4 में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। फर्स्ट वन आपके लिए हुआ है 31, 32, 33, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में फिल कर देना है। 35, 36, 37, 38, 39, 40, आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122। तो ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू आपने नंबर्स को लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन भी, ये पार्ट भी हो गया। बाकी के दो पार्ट्स आपने असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू इसी तरह नंबर्स यहाँ पे लिख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अबाउट डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर किया वैसे ही आपने डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में आपने फॉरवर्ड मूव किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप बैकवर्ड मूव करेंगे। जैसे फर्स्ट वन आपके पास हुआ है 50, 49, 48, 47, 46, 44, 43, 42, 41, आप बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126। तो ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू आपने नंबर्स को पुट कर दिया। बाकी के पार्ट्स आपने खुद करने हैं, खुद सॉल्व करने हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू आपने कंप्लीट कर देना है टेबल को। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 इज़ अबाउट राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपके पास नंबर्स दिए गए हैं 36, 38, 33, 40, 34, 39, 32, 37, 31, 35। आपने सबसे छोटा नंबर देख लेना है इसमें कौन सा है। सबसे छोटा आपके पास है 31, तो फर्स्ट आपके पास आएगा 31, नेक्स्ट 32, फिर आपके पास 33, फिर आपके पास 34, फिर आपके पास 35, देन आपके पास 36, 37, 38, 39 एंड 40, लास्ट आपके पास 40 आ रहा है। इसी तरह आपने 303 से 315 तक आपने असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को लिख लेना है। थर्ड पार्ट भी आपके पास नंबर्स दिए गए हैं, आपने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। 6 इज़ अबाउट डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट कर देना, अरेंज कर देना है। जैसे आपके पास ये नंबर्स दिए गए हैं 47,448, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर्स बड़े से छोटे की तरफ जाना है। मैंने इनको सीक्वेंस में पुट कर दिया है, देन मैं इसमें से सबसे बड़े को ले लूँगी 47,448, 47,447, 47,446, 47,445, 47,444, 47,443, 47,442,
47,441. तो यहाँ पे मैंने इसको सीक्वेंस में अरेंज कर दिया था और फिर बड़े से छोटे की तरफ मैंने इसको पुट कर दिया, तो ये आपके पास हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। इसी तरह आपने पार्ट टू भी कर देना है। आप अपने इजी वे के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इन नंबर्स को आप सीक्वेंस में पुट कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, और फिर आप उसको बड़े से छोटे की तरफ ले आएँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज कर दें। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाती है। इन क्वेश्चंस को आप बार बार सॉल्व करें, अपनी रफ कॉपी में इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को इस वीडियो को बार बार दिखाएं और एक्सरसाइज को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करें। थैंक यू।